अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट विल बी अर्ली साइंस ऑफ एजिंग, और वो साइंस क्या हो सकते हैं, उनको बचाया कैसे जा सकता है, उनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, और अगर वो अर्ली साइंस ऑफ एजिंग आ जाएं उनको बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है, और क्या होम रेमेडीज और क्या क्लिनिकल ऑप्शंस हैं जिनको हम यूटिलाइज करके आपके एजिंग को रोक सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं फर्दर बढ़ने से, या उसको रिवर्सल में डाल सकते हैं। सो दिस इज डॉक्टर आमना उस्मान। वी आर रनिंग अ चेन ऑफ एस्थेटिक क्लिनिक्स विद द नेम ऑफ डॉक्टर आमनाज क्लिनिक्स इन ट्विन सिटीज ऑफ पाकिस्तान। सो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो, यू कैन जस्ट प्रेस द सब्सक्राइब बटन। अगर आप कुछ भी और जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर यू कैन लीव अ कमेंट। ओके, सो व्हाट कैन बी द अर्ली साइंस ऑफ एजिंग, और वो कौन सी एज में आ सकते हैं? व्हेन यू टॉक अबाउट द स्किन और द फेस और द स्किन ऑफ द नेक, माइल्ड रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसको आप लोग फाइन लाइन्स कहते हैं। फाइन लाइन्स माइल्ड टू मॉडरेट भी हो सकती हैं, डायनेमिक लाइन्स जनरली, कि जब आप एक्सप्रेशन देना शुरू करते हैं आपको लाइनें पड़ रही हैं। इसके अलावा आपकी स्किन हल्के हल्के ढलक जाती है, ग्रेड वन सैगिंग जिसको कहते हैं, उसके नतीजे के अंदर आपको हल्के से अपने लाफ लाइन्स, जिसको नेज़ोलेबियल फोल्ड्स कहते हैं, या मेरिनेट लाइन्स, आपके आईब्रो ड्रॉप कर रहे हैं, आपका आईलाइट ड्रॉप कर रहा है, आपके लिप कॉर्नर्स ड्रॉप कर रहे हैं, आपको यहाँ पे जाउल्स या प्री जाउल्स बनने शुरू हो गए हैं, हल्का फुल्का स्किन यहाँ नजर आने शुरू हो गया है। एंड देन इसके अलावा ड्यूअल टोन पिगमेंटेशन डेवलपमेंट, पेरी ऑर्बिटल डिसकलरेशन, जिसको आप लोग डार्क सर्कल्स कहते हैं। नाउ कमिंग टू प्रिवेंशन, बिफोर दैट वी जंप ओवर टू द ट्रीटमेंट ऑप्शन, पहले प्रिवेंशन को डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आप ना करें तो एजिंग आपकी डिले हो सकती है। यू शुड टेक प्लेंटी ऑफ वाटर फ्लूइड्स, और बाय फ्लूइड्स आई डोंट मीन कि आप लेमनेड पी रहे हैं चीनी घोल के, और आप पेप्सी कोलास पी रहे हैं टू हाइड्रेट योरसेल्फ। सिंपल पानी भी इनफ हो सकता है आपके लिए, और अगर आप उसको कोई एंटीऑक्सीडेंट वाटर बनाना भी चाहें, कोई फ्रूट्स और कोई वेजिटेबल्स डाल के, और जो ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देते हैं, रेफ्रिजरेट कर देते हैं और उसके बाद पी लेते हैं, यस गो अहेड, बिकॉज इफ इट मेक्स योर वाटर टेस्ट बेटर तो आप उसको पियेंगे ज्यादा। सो एटलीस्ट 2 to 4 liters a day इज एक्सेलेंट। इसके अलावा अवॉइडिंग द सन लाइट फॉल ऑन योर स्किन, दैट कैन बी इजिली डन बाय आइदर यू नो फिजिकल प्रोटेक्शन बैरियर्स और बाय सम केमिकल प्रोटेक्शन बैरियर्स। आप प्रॉपर यू नो एप्लीकेशन में जाएं तो सन ब्लॉक्स हैं, जो कि फिजिकल सन ब्लॉक्स भी हो सकते हैं और केमिकल सन ब्लॉक्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल करते हैं, उसको क्विट कर दें, बिकॉज इट एक्सेलरेट्स एजिंग और आपको एजिंग के साइंस बड़े अर्ली एज के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। इफ यू डोंट एक्सरसाइज, प्लीज एक्सरसाइज, बिकॉज एडिंग एक्सरसाइज इन टू योर रूटीन्स विल कीप यू यूथफुल, देखने के अंदर भी और फिजिकली भी। सो प्लीज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं कि यू नो यू लुक एट समबडी एल्स एंड यू गेट इंस्पायर एंड स्टार्ट डूइंग व्हाटएवर। अपना जो एक्सरसाइज है उसको अपने बॉडी के हिसाब से चूज करें, उसको अपने टाइम टेबल और शेड्यूल के हिसाब से चूज करें, और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चूज करें। यू कैन गो फॉर योगाज, यू कैन गो फॉर पिलाटेज, यू कैन गो फॉर कार्डियोज, यू कैन गो फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यू कैन गो फॉर हिट एक्सरसाइजेज, एनी ऑफ द अबव। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्चेज, आपका ओवर ईटिंग कॉजेज यू एज मोर, और ओवर ईटिंग ऑल्सो अनहेल्दी ईटिंग एक्सेलरेट्स योर एजिंग। ओवर ईटिंग के अंदर अमाउंट ऑफ फूड आप ज्यादा ले रहे हैं, और अनहेल्दी ईटिंग के अंदर बेकरी फूड्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं, डीप फ्राइड फूड आइटम्स जैसे कि केंटकी फ्राइड चिकन्स आप ले रहे हैं, पिज्जाज ले रहे हैं, केक्स खा रहे हैं, क्रीम से भरे हुए केक्स खा रहे हैं, और एक्सेसिव स्वीट्स, आपका ज्यादा मीठा खाना भी आपके एजिंग को एक्सेलरेट करता है, और ये सारी चीजें एक्चुअली ओवर ईटिंग आपके अदरवाइज भी आपके जो हेल्थ इश्यूज है उनको भी एग्रवेट करता है। सो इसके साथ ही मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज ऐसी कर रहे हैं जो आपको यूथफुल रखे हुए है, तो ऑब्वियसली इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन योर स्किन एज वेल, बिकॉज स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अ बॉडी, जिसके अंदर इंटरनल एक्सटर्नल सारे एनवायरमेंटल और इंटरनल फैक्टर्स आपके स्किन के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको अदरवाइज यूथफुल रख रहा है, आपको वो ऑब्वियसली स्किन के ऊपर भी डिटेरियरेशन आने को प्रिवेंट करता है। और सेम गोज विद द डाइटरी एलिमेंट्स, ईट हेल्दी, ईट इन द राइट प्रोपोर्शंस। राइट प्रोपोर्शन क्या है वो आप अगर गूगल करेंगे थोड़ा सा आपको डाटा मिल जाएगा कि आपकी एज क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपके कितना कैलोरी इनटेक होना चाहिए और उसके अंदर मैक्रोस कितने होने चाहिए, उसको लेके आप अपना डाइट प्लान जनरेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंटरमीडिएट फास्टिंग रिड्यूसेस एजिंग, और फिर वो भी आपके एजिंग के साइंस को एक्सेलरेट करने से रोकता भी है और रिवर्सल में भी डालता है। सो जस्ट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग अलोंग विद सम एडिशन ऑफ अ गुड एक्सरसाइज इन योर रूटीन, आपके एजिंग के साइंस को डिले करेगा और रिवर्सल में डालेगा। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द डाइट, व्हाट टाइप ऑफ डाइट यू कैन ईट, ऑब्वियसली अगर आप बेकरी आइटम्स नहीं खा रहे हैं, डीप फ्राइड नहीं खा रहे हैं, और ये सारा जो जिसको हम जंक के लेवल में लाते हैं नहीं खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली
you'll have a better organic or healthier options for you left. And apart from them, और दो तीन causes इसके और भी हैं. Early signs of aging की stress है. ऐसी jobs कर रहे हैं कि पूरे दिन stress में रहते हैं, comfortable नहीं हो रहे, जैसे bankers हैं, teachers हैं, hard work job है, जैसे आप physically आपको बहुत ज़्यादा उसके अंदर अपनी energies देनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा धूप में आप jobs हैं, आपकी job type हैं, ये सब आपके aging को accelerate करते हैं. तो अपने stress management करिए, और अगर stress कम लेंगे तो aging भी कम होगी, और अगर stress ज़्यादा लेंगे तो aging के signs भी ज़्यादा आएंगे. Just generally talking about the physical, you know, जो physical symptoms आपको आते हैं, आप stress में हैं, you frown too much, you start developing the frown lines. आप stress में, आप cringe, you cringe too much, then you start developing these crow's feet. और इसके अलावा stress itself causes some hormonal changes in your body. वो आपके chemical reactions की वजह से आपको aging के signs accelerate होते हैं. And then not to forget discussing about sleep pattern. A healthy sleep pattern, night sleep reduces your signs of aging and reduces the aging process going on in your skin. So sleep well and sleep in the right time and sleep for the right hour that is required by, you know, obviously wo male ki requirement fark hai, females ki fark hai, and then with the age it varies. Now what can be done to fix your early signs of aging? Ab aapko early signs aane shuru ho gaye hain aur aapne notice kiya hai ki aapko halke pulke wrinkles ban rahe hain, aapko dual tone ban raha hai, halka pulka aapka skin sag kar raha hai, aapko laugh line thode bahut nazar aa rahe hain, thode bahut marinate line nazar aa rahe hain, thode bahut pores dilate ho gaye hain, to phir karna kya chahiye? Just starting with the AM PM routine. Just by starting a nice AM PM routine, जो कि हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, यू कैन यू नो फाइंड द लिंक हियर. उसके अंदर आप अगर ए एम पी एम रूटीन अपना प्रॉपर एक्सफोलिएट कर रहे हैं, प्रॉपर हाइड्रेट कर रहे हैं, प्रॉपर प्रोटेक्ट कर रहे हैं और प्रॉपर करेक्ट कर रहे हैं, तो वही आपके लिए काफी होगा कि आपके साइंस ऑफ एजिंग को रोके और फिर काफी सारी स्किन चेंजेस को वो इम्प्रूव भी कर ले. लेकिन इसके अंदर अगर वो अर्ली साइंस ऑफ एजिंग है और आपके सिर्फ ए एम पी एम रूटीन के साथ आपके सारे साइंस ऑफ एजिंग डिमिनिश नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको एक कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट है. तो और इवन फॉर योर ए एम पी एम रूटीन यू नीड अ कंसल्टेंट हु कैन एडवाइज यू यू नो the right products for your AM routine and the right products for your PM routine. So aap consultant ko visit karke apne liye likhwa le. Khud over the counter products na choose kare, because the product choice varies with the skin type. Theek hai, you have a dry skin, you have a combination skin, you have a oily skin, you have extremely dry skin. So ye sare cheeze, you have you know coexisting eczemas, you have coexisting acne. So ye sare cheeze maddenazar rakhte hue consultant aapko ek AM PM routine likh denge, jisse aapke parallel jo skin issues chal rahe hain wo bhi deal ho jaye aur signs of aging ko roka bhi ja sake aur address करके उसको प्रोग्रेस करने से कम किया जा सके. What further steps can be taken to fix your signs of aging? As in आपको wrinkles आने शुरू हो गए हल्के फुल्के, जिसको botox की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन you know you still want to manage ताकि वो आपका आपका botox की requirement delay हो सके. तो उसके अंदर दो तीन treatments हैं that we can take up, जिसके अंदर हम starting from mere simple PRPs. PRPs, platelet rich plasma therapy. It is done with your own blood. We extract a lot of platelet rich plasma and then we inject it in your skin layers, in specific skin layers, and then it is done in sessions. The sessions are generally repeated after 2 to 4 weeks time. बहुत अच्छा प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है. इवन इसको सिर्फ प्रिवेंटिव में नहीं डालेंगे, इवन करेक्टिव भी है, बट टू एन एक्सटेंट. इट कॉन्ट बी 100% एब्सोल्यूट ऑप्शन टू करेक्ट ऑल साइंस ऑफ एजिंग, बट येस इट कैन एड्रेस योर डुअल टोन, इट कैन एड्रेस योर पिगमेंटेशन, इट कैन एड्रेस योर पेरी ऑर्बिटल डिस्कलरेशन, डार्क सर्कल्स, लिफ्टिंग हो, माइल्ड फाइन लाइन्स हो, ओपन पोर्स हो. सो पीआरपी का एक एडवांटेज ये है, इसको हम वैम्पायर फेशियल कहते हैं, कि ये बड़ा प्राइस फ्रेंडली ट्रीटमेंट है. It is pocket friendly for a lot of the clients who are generally visiting aesthetic clinics. Lekin PRP must be in the right hands, because PRP need to be injected in the right layer of skin and in a right amount to let it function appropriately and to let it give results. You know, generally jab logon ko signs of aging aana shuru hote hai, they run for a hydrafacial. We have already recorded an episode over hydrafacial versus vampire facial, and I've explained in depth that how hydrafacial is overrated and how vampire facial is very underrated. However, agar aapko early signs of aging आ गए, you ask me, you want to go for a facial or the PRP, I will always admire अगर आप PRP कराएं, because of its longevity of results and because of its wide range of indication where it works and where it will deliver results. Then you know आप PRP करा रहे हैं, अब आपका aging progress कर गया in certain period of time, या आप already clinic के अंदर fall किए हैं जब आपका aging के signs progress किए हुए हैं, तो सिर्फ PRP उसके लिए काम नहीं कर सकता. Depending on what your requirements, अगर आपको fine lines आ रहे हैं, हल्के पुल्के dynamic lines, और अगर आपको periorbital hollowness है, और अगर आपको periorbital wrinkles भी आ रहे हैं और हल्का फुल्का lifting भी है, grade 1 laxity भी है, तो फिर profilo can be a really good choice for you. Hydrate भी करेगा, आपके skin को plump भी करेगा, lift भी करेगा, हल्के पुल्के pigmentation को भी reduce करेगा, radiance भी लाएगा, और softening of laugh lines and marinate lines भी करेगा. Profilo generally is done in sessions. आमतौर पे 2 या 3 sessions required होते हैं after every 6 to 9 months. 3 weeks to 6 weeks apart हम profilo करते हैं. Profilo is generally injected into certain bio aesthetic points. They are either the 22 points we inject,
नेक के लिए भी बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है और फेस के लिए भी बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है. जनरली प्राइस फ्रेंडली है. इसके अंदर वैरायटी ऑफ इंजेक्शन आते हैं विद अमीनो एसिड्स, विदाउट अमीनो एसिड्स, विद पेप्टाइड्स, विदाउट पेप्टाइड्स. अगर आपको हल्के फुल्के एजिंग साइंस आ रहे हैं तो आप अगर पीआरपी की तरफ स्ट्रेट अवे नहीं जा रहे हैं तो फिर प्रोफाइलोस कराएं एंड देन यू कैन यू नो पुट योरसेल्फ इनटू पीआरपीज. सो अ लिटिल बिट व्हाट इज प्रोफाइलो. प्रोफाइलो इज अ नॉन क्रॉसलिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड. एक खास मिकदार के अंदर, एक खास एमएल के अंदर वो प्रीफिल्ड सिरिंजेस आती हैं. और नॉन क्रॉसलिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड होता है जैसे ही हम स्किन के अंदर कहीं कहीं इंजेक्ट करते हैं बायोस्टेटिक पॉइंट्स के अंदर, इट स्टार्ट डिस्पर्सिंग एंड टेकिंग इट्स पोजीशन इनटू सर्टेन लेयर्स ऑफ द स्किन, प्लम्पिंग द स्किन बिकॉज ऑफ इट्स हाइड्रेशन इफेक्ट ऑफ हाइलुरोनिक एसिड. बिकॉज काफी अच्छी क्वांटिटी होती है हाइलुरोनिक एसिड की, और हाइलुरोनिक एसिड एक मॉलिक्यूल है जो आपकी स्किन के कुछ लेयर्स के अंदर जाके कुछ फ्लूइड को रिटेन करता है, प्लम्प करता है, इवेंचुअली रिमूविंग द साइंस. जैसे कि अगर फाइन लाइंस आपको आ रहे हैं तो स्किन ने प्लम्प किया तो वो फाइन लाइंस आपके दिखना बंद हो जाएंगे, और जब वो प्लम्प करेगा तो लिफ्टिंग, जिसको डोमिनो इफेक्ट कहते हैं, हल्की फुल्की लिफ्टिंग आती है आपको. जैसे लाफ लाइंस थोड़े रिड्यूस हो गए, ये थोड़ा रिड्यूस हो गया, सटल सा स्ट्रेच आ जाता है स्किन के अंदर. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट. और अगर आपको को एग्जिस्टिंग कोई पिगमेंट्री इश्यूज हैं तो आजकल प्रोफाइलोज ऐसे भी आते हैं जिसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी डले होते हैं जो कि आपके पिगमेंटेशन को भी पैरेलल डील करते हैं. इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ मेसोथेरेपीज दैट यू कैन गो फॉर ब्राइटनिंग एंड रिंकल रिडक्शन के लिए, लिफ्टिंग के लिए, एंड देन पेरिऑर्बिटल डिस्कलरेशन, हॉलोनेस के लिए. सो मेसोथेरेपीज के लिए भी यू कैन हैव अ डिटेल कंसल्टेशन सेशन विद योर डॉक्टर, कंसल्टेंट और ट्रीटिंग डॉक्टर. उसके अंदर भी कुछ सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं. मे बी यू कैन गेट यू नो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स ऑफ द स्किन एवरी टू वीक्स और एवरी थ्री वीक्स. सो मंथली एक सेशन आप ले सकते हैं, और मे बी फोर टू सिक्स सेशंस, और मे बी फ्यू मोर अगर आपके स्किन के अंदर डैमेज ज्यादा हुआ हुआ है. ये सारा आपने कर लिया, देन आपको साइंस ऑफ एजिंग और प्रोग्रेस किए हुए हैं. देन वी कैन गो फॉर सम सॉर्ट ऑफ माइक्रोनीडलिंग चॉइसेस. माइक्रोनीडलिंग के अंदर देयर आर टू चॉइसेस दैट वी कैन टेक, यू नो द सिंपल माइक्रोनीडलिंग एंड माइक्रोनीडलिंग विद आरएफ. सिंपल माइक्रोनीडलिंग इज नॉट वन ऑफ माय फेवरेट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. आई मीन आई सी अ लॉट ऑफ सैलॉन्स ऑफरिंग डर्मोपेन ट्रीटमेंट. आई मीन टू मी एशियन स्किन इज रियली सेंसिटिव. सो कोई भी ट्रीटमेंट एशियन स्किन के लिए चूज करना है उसके पहले 100 टाइम्स सोचना है, बिकॉज कोई भी ट्रीटमेंट इफ इट गोज रॉन्ग इट कैन कॉज पिगमेंटेशन इन योर स्किन, और वो पिगमेंटेशन फिर काफी टाइम लेती है जाने के अंदर. सो एनी ट्रीटमेंट दैट रब्स ऑन योर स्किन और रब्स अगेंस्ट योर स्किन, जैसे कि डर्माब्रेजन या डर्मोपेन ट्रीटमेंट, उसको लेने से पहले आपने लाजमी दो ओपिनियन, तीन ओपिनियन, चार ओपिनियन लेने हैं, बिकॉज वो आप करा लेंगे आपको एक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मिल जाएगी, लेकिन लेटर यू कैन फॉल इनटू डेवलपिंग पिगमेंट्री इश्यूज इन योर स्किन. दैट इज वे हार्डर टू डील एज कम्पेयर टू यू नो एनी सॉर्ट ऑफ रिजुविनेशन ट्रीटमेंट. सो व्हाट आर द बेटर चॉइसेस ऑफ माइक्रोनीडलिंग? ऑब्वियसली माइक्रोनीडलिंग आरएफ. उसके अंदर भी देर आर ट्रीटमेंट्स जो बहुत अच्छे हैं और सेफ है, देर आर ट्रीटमेंट जिनका कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ज्यादा है, तो यू नो यू कैन चूज, और आप अपने कंसल्टेंट के साथ इसको डिस्कस डिटेल में कर सकते हैं. बट फॉर मी द माइक्रोनीडलिंग के अंदर इफ यू वांट टू गो, माइक्रोनीडलिंग आरएफ इज अ बेटर चॉइस. देर आर लॉट ऑफ वैरायटीज इन माइक्रोनीडलिंग आरएफ. यू कैन डेफिनेटली फॉल इनटू योर नियरेस्ट रेनाउंड क्लिनिक्स एंड देन यू कैन डिस्कस योर केस इन डिटेल, ताकि हम आपको या आपका ट्रीटिंग कंसल्टेंट आपको आपके हिसाब से गाइड कर सके. आई होप द कंटेंट वाज हैव बीन यूजफुल फॉर यू. अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं डोंट फॉरगेट टू राइट इन कमेंट्स. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.